द्विघात या वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। अब तक हमने द्विघात या वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। यहाँ हम एक अन्य विधि की चर्चा करेंगे। इस विधि में समीकरण को x ऋण a पूरे का वर्ग या x धन a पूरे का वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ विशेष पदों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। इन उदाहरणों में इस विधि का उपयोग किया गया है। उदाहरण 11। वर्ग समीकरण x की घात 2 धन 6x बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। हल x की घात 2 धन 6x बराबर 0, इसे हम लिख सकते हैं x की घात 2 धन 2x गुणा 3 बराबर 0। समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2x के गुणांक 3 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर x की घात 2 धन 2x गुणा 3 धन 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 2। हमने दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 3 का 3 का घात 2 या 3 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ा है। यहाँ पे हमारी सर्वसमिका बन रही है, जैसे a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2। तो हम इसे लिख सकते हैं x धन 3 का घात 2 बराबर 9। चूँकि हमने सर्वसमीका का प्रयोग किया है x का वर्ग धन 2xa धन 1 का वर्ग बराबर x धन 1 का वर्ग के द्वारा हमने इसे प्रयोग किया है, या x धन 3 बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो धन ऋण वर्गमूल 9, या x धन 3 बराबर धन ऋण वर्गमूल 9 बराबर वर्गमूल 3 गुणा 3 बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। धन चिन्ह धन चिन्ह लेने पर x धन 3 बराबर धन 3 या x बराबर 3 ऋण 3 या x बराबर 0। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x धन 3 बराबर ऋण 3 या x बराबर ऋण 3 धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 या x बराबर ऋण 6। तो हमारे यहाँ पे x के दो मान x बराबर 0 या x बराबर ऋण 6 होगा। अब इसी प्रश्न को कहीं x की घात 2 धन 6x बराबर 0 में कहीं हम इसका उभयनिष्ठ निकालते हैं तो x और x धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें या तो x बराबर 0 मिलेगा प्राप्त होगा या x बराबर x धन 6 बराबर 0 प्राप्त होगा या x बराबर 0 या x बराबर ऋण 6। तो हम अतः
कोई भी तरीका उपयोग करें, सवाल का हल नहीं बदलेगा। दोनों स्थिति में हमें x का मान 0 और x का मान -6 मिल रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों विधियों में हमें x का मान 0 और x का मान -6 मिल रहा है। पहले विधि में हमने समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल किया, और दूसरे विधि में हमने समीकरण में उभयनिष्ठ निकाल कर x का हल x के मान हमने ज्ञात किए। यह इस प्रश्न का हल होगा।